तो वो बाबा ने बताया था कि असल में जिन निकल जाता है, ये बाजार खाते भी ये नजर आते हैं लेकिन जिन निकलता रहता सारा खाना। अच्छा निकलता है, इसका मतलब चबा के भी निकालते, ये खाते इसी अंदाज से कि जल्दी निकाल लेते, चबा चबा पाते ज्यादा नहीं। रोटी का पीस छोटा लेते हैं बड़ा लेते, बड़े बड़े निकाल लेते हैं, डर यही लगता है कि जिन खा रहा है ये खा रहे हैं। ये खाते में हमें भी हैरत होती है कि बड़े बड़े लुक में मतलब ऐसे निकल जाते हैं और ये जिन हमें बिल्कुल लगता है कि जिन ही खा रहा है, ये नहीं खा रहे। अच्छा, मैदा इनका तबाह है जी बिल्कुल, वो पहले मैदा सही था, पहले थोड़ा सही था बाद में फिर डिस्टर्ब होता चला गया, मजीद डिस्टर्ब होता चला गया। इसका मतलब बाबा कुछ सहर वगैरह भी करते हैं, क्योंकि आपने आप ना भोले भरे हैं और आपने इनको पैसे दिखा दिए, तो अब ये बाबा शायद इस तरह तरकीब कर रहे हैं कि ये मजीद इसकी तबीयत खराब होती रहे, आप इसके बाद जाते रहे और ये आपको झांसा देते रहे कि बढ़ बढ़ के निकल रहा है, बढ़ बढ़ के निकल रहा है। तो आपको इन्होंने बाबा ने अपने काबू में कर लिया और काफी आपसे रकम इन्होंने बटोर ली। अभी अल्लाह का करम हुआ कि आप तावीज़ाते अत्तारिया के बस्ते पर तशरीफ लिया है। अल्लाह ताला ऐसे बाबाओं को हिदायत दे कि जो इस तरह लूट मार करते हैं। आपने बताया कि कंधों पर वजन नहीं पड़ता, तो जिसको जिन का असर हो ना तो इसकी अलामत बताई जाती है कि उसके कंधों पर वजन पड़ता है। अच्छा अच्छा, और इसको नींद भी नहीं आती है, आपने बताया नींद नहीं आती इसको, कितने दिन में नहीं आई? तकरीबन 10-15 दिन से तो बहुत सोते हैं, चौकर उठ जाते हैं बस, ठीक है। तो इसको नींद, इनको नींद नहीं आई, तो बुखार वगैरह? बुखार भी थोड़ा थोड़ा हल्का रहता है। अच्छा, तो इनको दरअसल दिमाग में खुश्की चढ़ गई है, जो मैं आपसे आपके अहवाल से मैंने सुना, दिमाग में खुश्की चढ़ गई है और मैदा इनका खराब हो गया, ये जो निगल निगल कर, जरा दांतों का काम आंखों से लेंगे तो मैदा तो तबाह होना ही, तो जिन नहीं है तो बिल्कुल। तो खुश्की की वजह से आदमी पागलों जैसी हरकत करता है, कभी कभी हो सकता है ये कुछ शोर भी मचाते हो, कभी कभी चीख निकल जाती होगी, निकल जाती है बैठे बैठे, कभी मतलब है ना कि वो हवा में हाथ हिलाते हैं मुक्के, कभी कभी हिलाते हैं मुक्के हाथ में। अच्छा, और बाद अवकात आंखें सुर्ख करके ऐसा घूरते होंगे कि घर वालों को डर लग जी जी जी, ये होता है घूरते हैं, तो ये खुश्की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉर्मल बैठे हुए, तो ये खुश्की दिमाग में इनके चढ़ गई है, इनका इलाज कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक तो ये कि कंजुल ईमान में, ये कंजुल ईमान शरीफ पुराने पाक में वो सूरह कहफ है, सूरह कहफ की तफसीर कंजुल ईमान में देख लीजिए, खजानुल इरफान, जो कि सदुल अफाजिल मौलाना नवीमुद्दीन मुरादाबादी अलैह रहमतुल्लाह अलहादी ने कंजुल ईमान जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह का तर्जमा कुरान, इसके तहत वो तफसीर में लिखा है, अस्माए असहाबे कहफ लिखे हैं, वो अस्माए असहाबे कहफ आप उसमें देखकर वो नकल कर लें, मगर बॉइल पॉइंट से नकल करना, कि बॉइल पॉइंट से वो मिटता नहीं है, वाटर प्रूफ होती है, आम तल में बसा होगा तो पानी लगने से मिट जाता है पानी से पसीने से, तो आप बॉइल पॉइंट से लिख लीजिए और उसको लपेट कर इनके तकिए में डाल दीजिए। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह इनको नींद आ जाएगी। दूसरे इनको दही चलती है, दही खा तो लेते हैं, दही खा लेते हैं ना, और दही में एक कच्ची प्याज काट के इसमें मिक्स करके इनको सोने से पहले, जब सोने का वक्त जैसे होता है ना हमारा, या किसी भी वक्त, अपने बेचारे अपने हाथ में है नहीं, बिल्कुल, तो इनको ये खिला दीजिए, तो वो तावीज इनके तकिए में डाल दीजिए, तो ये जब ये पाव भर या आधा पाव जो दही ये बर्दाश्त कर सके, अगर ना चलती हो तो ना खिलाए, ठीक, दही और एक प्याज ये मिक्स करके खिला देंगे ना, कच्ची प्याज, तो इसकी बरकत से इसके ये इलाज है, ये इससे भी नींद आती है, इससे नींद आएगी इंशाल्लाह। और उस तावीज जो मैंने अभी बनाने का आपको अर्ज किया, वो तकिए में डालने से उससे भी नींद आती है। फिर अगर इनको मजीद वो ये पढ़ नहीं सकेंगे, वरना वो इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा, इसको नींद आती हो ना, ये आयत पढ़े तो उसको नींद आएगी। अच्छा, एक वो पारे अम्मा की आयत भी है, वजअल्ना नौमकुम सुबाता, ये आयत भी पढ़कर सोए तो इंशाअल्लाह नींद आएगी। एक और विर्द है, ला इलाहा इल्ला हुवल हक्कुल मुबीन, ये पढ़कर भी सोएगा तो इंशाअल्लाह नींद आएगी। तो ये नींद की औराद है, तो इस तरह खैर वो तावीज डाल लीजिए, इनको दही और ये प्याज खिला दीजिए।
तो सोने से इनकी तबीयत सही हो जाएगी, ज्यादा सोएंगे। अल्लाह की रहमत का नजारा करेंगे आप इंशाल्लाह, दुआ देंगे आपको, परेशान है इंशाल्लाह, आप हंसते हुए आएंगे। बहुत क्योंकि बच्चों की अम्मी भी मतलब इसी हालत देख के वो घर से चली गई, वो उनको भी लेकर आ, वो भी आ जाएंगे, सारा घर वो भी आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इनको ये जहन से निकाल दें कि इनको कोई जिन भूत का असर, ये तो बड़ा भगवान कोई जिन्नात का असर नहीं, जिन्नात बोलकर जब तक जिन्नात नहीं बोलेंगे पैसे कैसे देंगे आप। पहले तो उस बाबा को पहुंचा हुआ समझ के हम उसके पास जाकर पहुंचे और ठोकर खाई, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम सही जगह पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी जगह है कि यहाँ इंशाल्लाह आपको इखलास मिलेगा, यहाँ हिर्स और तमा नहीं मिलेगी आपको इंशाल्लाह। तो ये कि ये इलाज करें आप, अगर खुदा ना खास्ता इसके बावजूद नींद नहीं आती तो फिर आप माहिर नफ्सियात से रुजू करें। 25 घंटे आप मेरा ये जो अर्ज करदा इलाज है वो कर लीजिए, अगर इससे नहीं इनको नींद आती तो आप घबराएंगे, आप आंखें बंद करके किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास इनको ले जाए, वो इंजेक्शन लगाएंगे तो सो जाएंगे। अब ये क्योंकि 10-15 दिन की इनको बे आरामी है तो ये ऐसा थोड़ा लंबा सोएंगे ना, फिर ये जागेंगे इंशाल्लाह फ्रेश होंगे। और एक बात बता दूं, अगर ये जागेंगे ना, जब मेरे इलाज से अगर ये सो गए ना और ये जागेंगे तो जाहिर इनके मुंह में प्यास की बदबू होगी, कच्ची प्यास की, और जागेंगे तो ये फ्रेश होंगे इंशाल्लाह, ये नमाज भी पढ़ते होंगे इंशाल्लाह, आप नमाज भी नमाजी है माशाल्लाह। तो मुंह में जब कच्ची प्यास की बदबू हो तो मस्जिद में जाना हराम है, कच्ची प्याज, कच्चे लहसुन, कच्ची मूली और इस तरह की कोई चीज भी कच्ची जिसमें बदबू हो, कोई भी बदबूदार चीज खाई, पक्की हो या कच्ची हो, मुंह में बदबू हो गई तो मुंह में बदबू होते हुए मस्जिद का दाखिला हराम है, कि फरिश्तों को भी तकलीफ होती है इससे, कि मस्जिद को बदबू से बचाना चाहिए। हमारे मकतबतुल मदीना ने सिलसिले में एक रिसाला जारी किया है, मस्जिदें खुशबूदार रखिए, तो वो रिसाला आप हासिल कर लीजिए या दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, अपने इंटरनेट पर उसको पढ़ भी सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। वो मैंने वो रिसाला भी पढ़ा, आपके तावीजात की बरकत है, सिंगों वाली दुल्हन, उसको भी मतलब है कि इसमें बाकी बरकतें मिलती है, तावीजात बाकी बहुत मतलब है कि आपके इसके लोग शिफायाब होते हैं। अभी अगर आप